नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु घर चैनल। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक बहुत बढ़िया लेज़र लाइट का, जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली है। ये लेज़र लाइट बहुत अच्छी है और बहुत दूर तक जा सकती है। यहाँ पे इसकी इमेज भी दिया हुआ है और इसके किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाए उसे भी दिया हुआ है और स्पेसिफिकेशंस भी दिए हुए हैं। चलिए फटाफट से इसे अनबॉक्स भी कर लेते हैं और देखते हैं इसके बॉक्स कंटेंट क्या क्या है। चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। और इसे अनबॉक्स करते हैं, ऊपर हमें एक यूज़र गाइड मिलता है और वो सब चाइनीज़ में है। चलिए अंदर क्या क्या और है। यह है इसका चार्जर और यह है 3.7 वोल्ट बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, लिपो बैटरी का चार्जर। और यहाँ पे है हमारा मेन लेज़र लाइट, जो बहुत अच्छा है। इसे लेज़र पॉइंट के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। और इसमें सॉफ्ट कुशन भी दिया हुआ है और बहुत अच्छे मैग्नेट्स भी दिए हुए हैं इसके लिए, और बहुत अच्छा बॉक्स भी है। चलो बॉक्स को साइड के रखते हैं। यह है मेन लेज़र, इसमें एक चाबी लगा के हमें पहले स्टार्ट कर लेना होगा। इसके लिए चाबी लगा लेते हैं, लगा के टर्न करते हैं चाबी को ग्रीन की तरफ। ये एक ग्रीन लेज़र लाइट है और बहुत अच्छा ब्राइट है। और यहाँ पे एक टेक्सचर देखने को मिलेगा और बहुत अच्छा है। और ये टेक्सचर बहुत बढ़िया से प्रोजेक्ट हो रहा है और दिखने में भी सुंदर है, पार्टी लाइट के जैसे दिखता है। देख सकते हैं आप। और आगे का नॉब निकालते ही ये एक लेज़र पॉइंटर बन जाता है। और यहाँ पे फोकसिंग एंड डी फोकसिंग नॉब भी दिया हुआ है और बहुत अच्छा लेज़र पॉइंटर है। और 5 माइल्स, अप टू 5 माइल्स तक ये जाता है, जो एक बहुत अच्छा बात है। और इसके अंदर 6000 mAh की बैटरी दिया हुआ है। मुझे तो नहीं लगता है कि ये 6000 mAh की बैटरी है, लगभग 2-3000 mAh की तो होगी ही। और वो कहते हैं कि ये एक बर्निंग लेज़र है और ये बहुत अच्छी लेज़र लाइट है। और इसके अंदर एक सी बैटरी होती है, जो एक रिचार्जेबल बैटरी है। चलिए इस बैटरी को निकालते हैं। इसे निकालने के लिए सिंपली आपको खोलना है और अंदर एक बैटरी जो आपको देखने को मिल जाता है, और उसे चार्ज करने के लिए बस इसमें प्लग इन कर लेना है। ऊपर करके प्लग इन करने के बाद एक स्मॉल लाइट हमें इंडिकेट करता है, और इसे चार्जिंग लगाने के बाद, फुल होने के बाद हमें ग्रीन लाइट देखने को मिलता है। थैंक यू।